गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि ऊष्मा इंजन क्या होता है। ऊष्मा इंजन क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति होती है जो कि ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। तो आज हम एक स्पेशल इंजन जिसे हम कार्नो इंजन कहेंगे, ये भी एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऊष्मा इंजन का ही एक प्रकार है कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक होगा स्रोत, जो कि ऊष्मा का अनंत भंडार है, यानी कि इसकी ऊष्माधारिता अनंत होती है, जिसका ताप T1 होता है, ठीक है। और इसमें एक होता है स्टैंड, जो कि एक कुचालक स्टैंड है, और एक होता है सिंक, जिसका ताप T2 होता है, और इसकी भी ऊष्माधारिता अनंत होती है, यानी कि इससे कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए, सिंक को ऊष्मा दी जाती है, स्रोत से ऊष्मा ली जाएगी और सिंक को दी जाएगी। तो सिंक एक ऐसा ऊष्मा भंडार है जिसकी ऊष्माधारिता अनंत है, और इसको कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए लेकिन इसका ताप नियत बना रहेगा, और वो ताप कितना होगा, T2 बना रहेगा। और इसमें एक होता है कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। ये कार्यकारी पदार्थ ही होता है जो कि उत्क्रमणीय पाथ को फॉलो करता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम को फॉलो करता है ये कार्यकारी पदार्थ। तो किया क्या जाता है, इसकी कार्यविधि देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये कार्यकारी पदार्थ है, प्रारंभिक अवस्था में है अभी यहाँ पर, ये इसको उठाकर हमने रखना है स्रोत पर। स्रोत पर देखिए, ये जो हमने सिंगल लाइन बनाई है, जो सिंगल लाइन बनाई है, ये इसका मतलब है सुचालक परत है। ये क्या है, सुचालक है, ऊष्मा की सुचालक है। और जहाँ पर हमने डबल लाइन बनाई है, ये क्या है, कुचालक है। जहाँ पर भी हमने डबल लाइन बना रखी है वो ऊष्मा की कुचालक है, यानी कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा। तो अब देखिए, ये सुचालक बनाया है इस परत को यहाँ पर, और जब इसको हम स्रोत के ऊपर रखते हैं तो इसका ताप क्या है, निश्चित है T1। तो समतापी प्रक्रम होता है, समतापी प्रसार होता है, ऊष्मा ग्रहण करेगा कार्यकारी पदार्थ स्रोत से और इसका प्रसार होगा। तो ये हुआ समतापी प्रसार। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हमारे पास हो गया समतापी प्रसार। समतापी प्रसार हुआ कार्यकारी पदार्थ का, ठीक है। अब देखिए, इस कार्यकारी पदार्थ जो कि एक सिलेंडर में भरा हुआ है, समतापी प्रसार करने के बाद हमने इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। क्यों रखा है, ताकि ऊष्मा की किसी भी प्रकार से हानि ना हो, ठीक है। हमारा इंजन कभी दक्ष माना जाएगा, कब दक्ष माना जाएगा, जबकि ऊष्मा की किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो जैसे ही यहाँ पर समतापी प्रसार होता है, उसके बाद हम इसे एक कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। ये कुचालक दीवार है, ठीक है। तो कुचालक स्टैंड पर रख देने से क्या होगा, इसमें प्रसार तो होगा, लेकिन इस बार कैसा प्रसार होगा, किसी तरह से ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर की ओर नहीं हो रहा है। जब बाहर की ओर किसी तरह का ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रुधोष्म प्रसार होता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, रुधोष्म प्रसार इसने फॉलो किया, ठीक है। अब देखिए, जब इसे यहाँ पर रखा, यानी कि क्या हो रहा है, इस जब समतापी प्रसार किया, यानी कि कार्यकारी पदार्थ पर कुछ कार्य किया गया, जब इसे स्टैंड पर रख दिया, तब भी क्या हो रहा है, कार्यकारी पदार्थ पर कुछ कार्य किया जा रहा है। अब जो शेष ऊष्मा बची, वो क्या करेगा, T2 ताप पर जो कि सिंक है, इसको दे देगा। जब इसको देगा, जब ऊष्मा बाहर निकलेगी कार्यकारी पदार्थ से, तो क्या होगा, उसका संपीड़न होगा, ठीक है। तो ये कैसा संपीड़न हो जाएगा, देखिए, नियत ताप पर संपीड़न होता है। अब नियत ताप पर संपीड़न को हम कहते हैं समतापी संपीड़न। कैसा हो जाएगा, ये समतापी संपीड़न हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि कार्यकारी पदार्थ को इस पर रख दिया, समतापी संपीड़न हो गया, वापस से उठाकर हम इसे कुचालक स्टैंड पर रखते हैं और इसका फिर भी संपीड़न होता रहता है। तो इस स्थिति में क्या है, हर तरफ से कुचालक हो गया है, मतलब ये एक विलगित निकाय बन गया है, और विलगित निकाय में यदि संपीड़न हो रहा है तो वो कैसा संपीड़न है, रुधोष्म संपीड़न है। क्या है ये, रुधोष्म संपीड़न, रुधोष्म संपीड़न है, ठीक है। तो यानी कि कार्यकारी पदार्थ जब प्रारंभिक अवस्था में था, तो वो पहले उसका प्रसार हुआ, फिर संपीड़न हुआ, और वो वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट गया। यानी कि प्रसार हुआ तो सीधा प्रक्रम, संपीड़न हुआ तो उल्टा प्रक्रम, यानी कि क्या हुआ, ये उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया है, ठीक है। तो प्रारंभिक अवस्था में था और वापस से
एक उत्क्रमणीय प्रक्रम को फॉलो करते हुए फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया है। इसको हमने उत्क्रमणीय प्रक्रम कह दिया। और कौन कौन से उसने पांच फॉलो किए, पहले उसका समतापी प्रसार हुआ, फिर रुधोष्म प्रसार हुआ, फिर उसका समतापी संपीड़न हुआ और फिर उसका रुधोष्म संपीड़न हुआ। तो ये चार तरह के पाथ को, चार तरह के प्रक्रम को एक कार्यकारी पदार्थ फॉलो करता है। अब देखते हैं कि इन चारों प्रकार के प्रक्रमों में कार्यकारी पदार्थ पर कितना कार्य किया जाता है। देखिए, इसे हम एक वक्र की सहायता से भी दर्शा सकते हैं। हमने एक पीवी डायग्राम बनाया है इसके लिए कि देखिए यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था है, ए पर क्या है, कार्यकारी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था है। उस समय इसके दाब और आयतन कितने हैं, पी ए वी ए, ठीक है, ए पोजीशन पर। इसका ये हुआ समतापी प्रसार, नियत ताप टी वन पर समतापी प्रसार हुआ। देखिए आयतन में वृद्धि हो रही है लेकिन दाब में कमी हो रही है, दाब पहले ज़्यादा था अभी दाब में कमी हो गई है, ठीक है, प्रसार होगा तो दाब में कमी हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद में रुधोष्म में प्रसार हुआ, देखिए आयतन में वृद्धि हो रही है लेकिन दाब में कमी हो रही है, प्रसार होगा तो दाब में कमी होगी, ठीक है। अब देखिए सी से डी तक, डी अवस्था में आने के लिए क्या होता है, संपीड़न हो रहा है। यहाँ पे कैसे संपीड़न है, समतापी संपीड़न है, नियत ताप टी टू पर समतापी संपीड़न हो रहा है, यानी कि आयतन में तो कमी हो रही है लेकिन दाब में वृद्धि हो रही है, ठीक है। और फिर इसका रुधोष्म संपीड़न होता है और ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुँच जाता है। ये हमने पीवी डायग्राम से इसको शो कर दिया। अब इन सबके लिए हमें कार्य देखना है कि कितना कितना कार्य किया जाता है। तो हमारे पास चार तरह के प्रोसेस है। पहले हम ले लेते हैं समतापी प्रसार, ठीक है, और हम ले लेते हैं यहाँ पर रुधोष्म प्रसार। ठीक है, तो समतापी प्रसार और रुधोष्म प्रसार दो ले लिए हमने। पहला देखते हैं समतापी प्रसार। समतापी प्रसार में क्या कितना कार्य किया जाएगा। देखिए सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ क्या है कि समतापी प्रसार में इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम क्या लिख सकते हैं कि संपूर्ण ऊष्मा किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्य में परिवर्तित हो जाती है। और कितनी ऊष्मा ली है, क्यू वन ऊष्मा ली है, ठीक है, टी वन ताप पर क्यू वन ऊष्मा ली है। और यहाँ पर किए गए कार्य को भी हम डब्ल्यू वन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होगा, कौन सा वक्र दिखा रहा है, ए से बी तक का वक्र समतापी प्रसार को दिखा रहा है, यानी कि ए टू बी में हमें पी डी वी क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालना है। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर वन नाम दें तो पी पी वी इज इक्वल टू आर टी वन, ठीक है, ये आदर्श गैस समीकरण लिखी हमने एक मोल के लिए। तो टी वन तो यहाँ पर इसका ताप हो गया स्रोत का, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी वन, यानी कि यहाँ से पी को क्या लिखा जा सकता है, आर टी वन अपॉन वी लिखा जा सकता है। इसे इक्वेशन नंबर दो नाम दिया। इक्वेशन दो को हमने इक्वेशन वन में यूज़ किया, तो क्यू वन बराबर डब्ल्यू वन क्या हो जाएगा, ए टू बी आर टी वन। देखिए आर टी वन कॉन्स्टेंट हो गया, आर टी वन हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, डी वी अपॉन वी बच गया है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो क्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन विल बी इक्वल टू आर टी वन लॉग ई बेस पर, ठीक है, वी लॉग वी होगा, और जब इसकी लिमिट लगाएंगे, देखिए लॉग वी होगा और जब इसकी लिमिट लगाएंगे बी टू सॉरी ए टू बी में, सो ये हो जाएगा वी बी अपॉन वी ए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें मिल गया है समतापी प्रसार में किया गया कार्य, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, ली गई ऊष्मा के, स्रोत से ली गई ऊष्मा के बराबर है। अब देखते हैं रुधोष्म प्रसार, ठीक है, अब रुधोष्म प्रसार कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, बी से सी तक हो रहा है, ठीक है, बी से सी तक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर किया गया कार्य जिसे हम W2 से रिप्रेजेंट करें, सो W2 विल बी इक्वल टू, देखिए ये होगा B2 C, तो ये हो गया B2 C PDV हो गया, ठीक है। अब हमें पता है रुधोष्म प्रक्रम के लिए, रुधोष्म प्रक्रम के लिए, रुधोष्म प्रक्रम के लिए क्या है,
पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम के से दर्शा दें अगर, ठीक है। और गामा क्या है यहाँ पर, हमारा रेशियो है किस किस का, सीपी और सीवी का। सीपी और सीवी क्या है, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, इन दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात हमारे पास गामा है, ठीक है। ये हमने इसे देखिए इक्वेशन नंबर वन नाम दे दें, इसे इक्वेशन नंबर टू नाम दे दें, ये अलग लिखा है हमने। तो अब यहाँ पर P बराबर क्या लिखा जा सकता है, इसे ना देकर हम P बराबर K अपॉन V टू द पावर गामा, इसे इक्वेशन नंबर दो अगर नाम दे दें। सो ये उठाकर मुझे कहाँ रखना है, इक्वेशन वन में रखना है। इक्वेशन वन में रखने पर मुझे W मिलेगा, W मिलेगा, P की जगह रखना है मुझे, तो K तो बाहर ले लो, B टू C का इंटीग्रेशन हो रहा है, P की जगह ये वन अपॉन V टू द पावर गामा हो गया है, और डी वी, वी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। सो डब्ल्यू टू विल बी इक्वल टू के, देखिए ये क्या हो जाएगा, वी टू द पावर वन माइनस गामा, वी टू द पावर गामा का इंटीग्रेशन हो रहा है और अपन वन माइनस गामा, ठीक है। ये किस किस लिमिट के बीच में आया है, बी टू सी लिमिट है, ठीक है, हम बी से सी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसे ऊपर ही लिख देते हैं, देखिए तो W2 will be equal to K upon 1 minus gamma VC, 1 minus gamma minus VB to the power 1 minus gamma, ये हमारा आ गया W2, ठीक है। अब इसे हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा था, हम इधर देखते हैं साइड में, देखिए हमने लिखा था पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था, ठीक है। यानी कि अगर ये बी पोजीशन में हो तब भी ये कांस्टेंट है, और अगर ये पी वी गामा सी पोजीशन में हो तब भी ये कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अगर मैं इस k को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, इस k को मुझे क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ वाले, यहाँ पर जो k आएगा उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वन अपॉन वन माइनस गामा तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर जो k आएगा उसको मैं अगर पी सी, क्योंकि यहाँ पर वी सी है ना, इसलिए c वाला टर्म लिख रही हूँ, तो पी सी वी सी गामा वी सी वन माइनस गामा लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इस k को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ और इस k को मैं इसके बराबर लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पी बी वी बी गामा और ये वी बी वन माइनस गामा ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है। तो W2 मेरा हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस गामा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, पी सी वी सी बच जाएगा, ठीक है, गामा प्लस वन माइनस गामा, यानी कि यहाँ पर केवल बी सी बच जाएगा, माइनस पी बी वी बी बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण लगाते हैं, आदर्श गैस समीकरण क्या कहती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू आर टी कहती है, यानी कि वन अपॉन वन माइनस गामा पी सी वी सी की जगह क्या लिखा जा सकता है, आर टी वन या टू, टू, क्योंकि सी वाला पॉइंट किस पे है, टी टू ताप पर है सी पॉइंट, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, आर टी टू लिखा जा सकता है, यहाँ पर आर टी वन लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, अगर यहाँ से आर मैं कॉमन ले लूँ, आर मैंने कॉमन लेके यहाँ रख दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, टी टू ताप हमें पता है कि कम होता है, टी टू ताप टी वन से कम है, तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले लूँ और इधर से भी माइनस कॉमन ले लूँ, तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, ये डब्लू टू मेरा बन जाएगा आर अपॉन गामा माइनस वन और टी वन माइनस टी टू, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें,
ये लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने जो समतापी प्रसार के लिए कार्य निकाला उसको इक्वेशन वन नाम, इक्वेशन वन और बहुत हो चुका है, इसे इक्वेशन नंबर ए नाम देती हूँ और इसे इक्वेशन नंबर बी नाम देती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं समतापी, देखिए इन ये कार्य जो हमने लिखे हैं यहाँ पर ये हमें काम आने वाले हैं, इसलिए हमें इनको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं समतापी प्रसार हो गया है हमारा, समतापी प्रसार हो गया है, रुद्धोष्म प्रसार हो गया है, अब हमें क्या करना है, समतापी संपीड़न करना है, ठीक है। तो समतापी संपीड़न हम देखते हैं, देखिए समतापी संपीड़न में करना क्या है, समतापी संपीड़न में भी क्या होगा, डेल्टा यू जीरो होगा, लेकिन अब की बार क्या है, समतापी संपीड़न में क्यू टू ऊष्मा दी गई है, यानी कि डब्लू थ्री अगर कार्य किया जाता है, ये तीसरा प्रोसेस है, डब्लू थ्री कार्य किया जा रहा है, कहाँ कहाँ से, देखिए सी से डी के बीच में, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, सी से डी के बीच में ये लिमिट हो जाएगी, ठीक है। और पी वी इज इक्वल टू आर टी टू हम यहाँ पर दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ताप कितना है, टी टू ताप है, ठीक है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी टू अपॉन बी हो जाएगा, ये भी आर टी टू होगा, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, सी टू डी लिमिट होगी, ठीक है, सी टू डी यहाँ पर लिमिट होगी, और ये क्या हो जाएगा, आर टी टू हो जाएगा, यहाँ पर ये वी डी अपॉन वी सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्यू टू ऊष्मा है, डब्लू थ्री कार्य किया जा रहा है, ठीक है, डब्लू थ्री कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, ये हमारा, इसे इक्वेशन नंबर हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको उल्टा करूँ, देखिए अभी हमें यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसे मैं उल्टा करूँ तो इसे मैं C को ऊपर लिख दूँ, वी सी को ऊपर लिख दूँ और वी डी को ऊपर नीचे लिख दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इसलिए मुझे यहाँ पे बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ा है और इसे मैंने इक्वेशन नंबर सी नाम दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये समतापी संपीड़न के लिए कार्य मिल गया, अब हमें किसके लिए कार्य निकालना है, रुद्धोष्म संपीड़न के लिए कार्य निकालना, रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न के लिए कार्य निकालना है। अब देखिए जब हम रुद्धोष्म संपीड़न के लिए वापस से पूरा यही प्रोसेस करेंगे, किस किस के बीच में, लिमिट डी टू ए के बीच में, ये रुद्धोष्म प्रसार में जो हमने कार्य निकाला है, आई थिंक इसका आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से कार्य निकाला है, किस तरह से हमने रुद्धोष्म प्रसार के लिए आदर्श गैस समीकरण लगाइए और एक आदर्श गैस समीकरण लगाइए, ये हमने समझ लिया है। तो अब हम रुद्धोष्म संपीड़न के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि डब्लू फोर इसमें कार्य किया जा रहा है, किस किस के बीच में, डी से ए के बीच में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हो गया, यानी कि W4 को जब मैं सॉल्व करती हूँ, ठीक है, तो W4 को जब मैं सॉल्व करती हूँ तो यही मुझे मिलता है, लेकिन ये क्या था, सीधे प्रक्रम के लिए, रुद्धोष्म प्रसार के लिए था, तो जब रुद्धोष्म संपीड़न के लिए मैं निकालती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलता है T2 माइनस T1 मिलता है, बाकी सब कुछ सेम है, और ये क्या हो गया, W4 हो गया, इसे इक्वेशन नंबर D मैं नाम दे देती हूँ और बाकी मेरा सब कुछ सेम है, ठीक है, ये हमें मिल गया रुद्धोष्म संपीड़न के लिए किया गया कार्य मिल गया। अब देखिए कुल कितना कार्य इस निकाय पर किया जाता है, तो देखिए निकाय पर किया गया कुल कार्य, निकाय या कार्यकारी पदार्थ इसे कह देते हैं, कार्यकारी पदार्थ यहाँ पर हमारा निकाय है, कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य कितना होगा, W होगा W1 प्लस W2 प्लस W3
प्लस डब्ल्यू फोर, ठीक है, इतना कार्य इस कार्यकारी पदार्थ पर किया जाता है। तो डब्ल्यू वन क्या है मेरा, आर टी वन लॉग ई बेस पर वी बी अपॉन वी ए था ना, हाँ वी बी अपॉन वी ए है, ठीक है, ये डब्ल्यू वन हो गया। अब देखिए डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा मेरा, आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू, ठीक है, ये डब्ल्यू टू हो गया। प्लस डब्ल्यू थ्री कितना होता है, देखिए डब्ल्यू थ्री है ये मेरा माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस आर टी टू लॉग ई बेस पर वी सी ओवर वी डी, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब डब्ल्यू फोर है आर अपॉन गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। देखिए हम क्या नोटिस करते हैं कि ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, ये टर्म आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास W बच गया है R T1 log VB over VA minus R T2 log VC over VD, ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुँचे थे, हम इसे इक्वेशन नंबर E दे देते हैं, मान लीजिए D तक हमने कर लिया था, इसे इक्वेशन नंबर E नाम हमने दिया। अब देखिए क्या होता है, यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि बिंदु B और C देखते हैं, देखिए बिंदु B और C एक ही रुधोष्म प्रक्रम के दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये एक ही रुधोष्म प्रक्रम है, इनके दो पॉइंट हैं B और C, लेकिन यहाँ पर ताप क्या है, T1 और T2 है, इस स्थिति में ताप T1 है, इस स्थिति में ताप T2 है, तो रुधोष्म प्रक्रम के लिए हमने एक और, देखिए इसे ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन नंबर हमारी जो E है इसे ध्यान में रखना है, यहीं पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रुधोष्म प्रक्रम कौन सा है, BC के लिए, रुधोष्म प्रक्रम BC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए टी वी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, टी वी वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, ये हमारी रुधोष्म प्रक्रम के लिए एक समीकरण होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बी पॉइंट के लिए क्या लिखूँगी, टी वन ताप हो गया, वी बी वन माइनस गामा लिखेंगे, और यहाँ से टी टू वी सी वन माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी सी अपॉन वी बी अगर मैं लिखूँ इसकी पावर वन माइनस गामा, देखिए इस वी बी को मैं इधर ले आई, ठीक है, तो ऐसे लिख सकती हूँ, और ये क्या हो जाएगा, टी वन अपॉन टी टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी पावर को हटा दूँ, सी है यहाँ पर, इसकी पावर को हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, टी वन अपॉन टी टू वी सी, सॉरी यहाँ वन माइनस गामा नहीं होता, गामा माइनस वन होता है, गामा माइनस वन है ये पावर में, ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, वन अपॉन गामा माइनस वन लिखा जा सकता है इसकी पावर को, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर मान लीजिए एफ नाम दिया, ठीक है, और देखिए हमें ये चीज़ तो ध्यान में रखनी है, तो एक बार को मैं उधर कर देती ताकि हमें ये इरेज ना करना पड़े, और क्या लिखा जा सकता है, देखिए अब इस पॉइंट के लिए तो हमने किया है, अब हम करेंगे इस पॉइंट के लिए, ठीक है, मतलब ये जो रुधोष्म प्रक्रम हो रहा है डी ए प्रक्रम के लिए हमारे पास दो पॉइंट हो गए, डी और ए, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, इनके लिए भी वही समीकरण लागू होती है। तो ये है टी टू ताप पर, टी टू वी डी गामा माइनस वन बराबर
ये है टी वन ताप पर, तो टी वन वी ए गामा माइनस वन हो गया। इसी तरह से वी डी सॉरी वी ए वी ए अपॉन वी डी की पावर गामा माइनस वन होगा इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू होगा। और यहाँ से ये पावर हटाकर मैं ऐसा लिख सकती हूँ वन अपॉन गामा माइनस वन हो गया। इसे इक्वेशन नंबर ई एफ जी जी नाम दे दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर एफ और इक्वेशन नंबर जी इन दोनों से क्या लिखा जा सकता है, यही लिख इक्वेशन नंबर एफ और जी से हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन नंबर एफ और जी से हम क्या लिखेंगे, वी सी अपॉन वी बी इज इक्वल टू वी ए ओवर वी डी, यानी कि वी बी इसमें कहीं तो मिस्टेक है, वी सी ओवर वी बी, वी सी ओवर वी बी इज इक्वल टू वी डी, ये वी डी है ना, हाँ ये देखिए ये यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये वी डी आना चाहिए था वी डी और यहाँ पर ये वी ए आना चाहिए, यानी कि ये किसके बराबर हुआ, वी डी ओवर वी ए के बराबर हुआ, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी बी ओवर वी ए, वी बी ओवर वी ए बराबर किसके लिख सकते हैं, वी सी ओवर वी डी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर जी एच नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर एच को जब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ई में, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन एच इन ई, इक्वेशन एच को ई में जब यूज करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे हम आर टी वन लॉग वी बी ओवर वी ए माइनस आर टी टू लॉग ई बेस पर वी, वी सी ओवर वी डी को क्या लिखा जा सकता है, वी बी ओवर वी ए लिखा जा सकता है, वी बी ओवर वी ए लिखा जा सकता है, यानी कि W इज इक्वल टू हो गया R, R कॉमन आ गया और log VB ओवर VA भी कॉमन आ गया और अंदर क्या रह गया T1 माइनस T2 रह गया। ये हमारा क्या हो गया, कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कुल कार्य हो गया। अब इसे हम इससे हम दक्षता निकाल सकते हैं इस कार्नो इंजन की, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।